जदयू के अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम ने दिखाई अपनी दबंग गई। ग्रामीणों ने चंदा वसूल कर तटबंध का करा रहे थे मरम्मत। न्यूज 9 टाइम्स सिक्टा से संवाददाता सफीर अहमद की रिपोर्ट। नदी के नाम से जाना जाता है, एक नदी है जहाँ पे काफी ग्रामीणों का, किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। बाढ़ के नदी में अंदर बाढ़ जो आ रही है पानी, उससे मतलब कि काफी फसल नुकसान होती रही है। और किसानों का कहना है कि दो बार तीन बार हम लोग रोपनी करके और फसल जियान कर दिए, उसमें जो बांध टूटा हुआ है अपने पैसे अपने चंदा लगाकर अपने जो भी ये बांध को हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। तो खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज अहमद जो मंत्री जी हैं अभी, उनका कहना है कि ये जो मनरेगा के तहत पास है मनरेगा के तरफ से होगा, और उसमें कुछ ब्लेम भी लगाए हैं। आइए यहाँ के लोगों से कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। सर आपका नाम? दिलीप जायसवाल। अच्छा, जो ये बांध में जो मामला फंसाए हुए हैं, रुके हुए हैं, इसमें क्या मामला? ये 2017 से बांध टूटी हुई थी, जिस पर बार बार यहाँ के सारे ग्रामीण लोग जाकर उनसे सिक्टा नदी क्या बांध टूटा हुआ था, जो कि बार बार मनरेगा पीओ मुखिया समिति मतलब जनप्रतिनिधि के द्वारा मंत्री जी के पास भी गया। उन्होंने इस बांध को सिक्टा तो नाम सुनने के बाद वो भड़क जाते हैं। खुर्शीद आलम मंत्री जी से जब भी उनके पास समस्या को लेकर सिक्टा का ग्रामीण चाहे कोई भी जाता है, सिक्टा का नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं और उनका मतलब गलत अनाप शनाप होने लगते हैं। जैसे में कुछ पता चला है कि कुछ यहाँ के ग्रामीणों पे FIR हुआ, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? FIR मतलब देखिए, यहाँ पर जो मनरेगा से कोई, उनका कहना था यहाँ के मनरेगा पदाधिकारी का कि मनरेगा के तहत काम है, जबकि ये मनरेगा के तहत काम नहीं हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा अपना चंदा वसूल कर और उसमें हमसे भी आकर इन लोगों ने कुछ सहयोग मांगा। हमने भी कहा कि पूर्ण सहयोग देंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा आप लोग इस कार्य को कराइए, अपनी खेती फसल को सुरक्षित कीजिए, लोग नहीं बंधवा पाएगा, इन लोगों का फसल नुकसान हो रहा था। हम लोग से भी चंदा लिया गया, हम भी इसमें सहयोग किए और ग्रामीणों ने अपने द्वारा इस बांध का निर्माण करा रहा था। करीब 48 घंटा से इस पर जेसीबी चल रही थी दिन और रात। आप दिल सको, अच्छा क्या दिक्कत है आई ये बांध से आप लोग को? दिक्कत ये है 2017 से मनरेगा से हुआ जो ये बांध बनाएगा। हम लोग 17 से लेके 20 तक दौड़े किन के पास? दौड़े सीओ के पास दौड़े, यहाँ के मनरेगा पदाधिकारी के पास दौड़े, यहाँ के मुखिया के जोरे दौड़े हम लोग, मुखिया को भी कहा गया। यहाँ के पूर्व 5 साल के लिए मंत्री हैं, उनके पास भी। क्या नाम है मंत्री जी का? खुर्शीद आलम। हम लोग मैंने प्रयास किए जो इस बांध को बनवा दिया, सरकारी योजना से बनवा दिया जाए। 17 से आज तक इस पर एक चिटकी मिट्टी अभी तक पड़ा नहीं। तो ये बांध जो अभी बनाया हुआ है, अभी ये किनके मदद से हुआ है, किनके सहयोग से हुआ है? ये जो हुआ है अपना ग्रामीण, हम लोग विचार किए जो अब पूरब साइड में जब बांध बनवा गई और उधर फसल होने लगा, वो लोग बनवाया, खुर्शीद आलम के ही फंड से वो बनाया है। आपको घोड़ा सोहन कैनाल से लेके और त्रिवेणी कैनाल तक वो बांध खुर्शीद आलम। अच्छा, तो अभी आप लोग का बांध में क्या दिक्कत? हमारे बांध में यही हुआ जो हम लोग जब बैठ के अपना में विचार किए तो हम लोग सोचे जो थोड़ा बहुत चंदा करके थोड़ा बहुत इधर उधर से अपना करके इस बांध को जिसे भी को बुलवा के हम लोग बनवा ले, चूंकि पूरा ये दह गया था। आप लोग बनवा रहे थे तो क्या दिक्कत? हम लोग जब बनवा रहे थे रात में जेसीबी चल रही थी, दिन रात चला, दिन में हाँ दिन में चला, शाम जब हुआ करीब 6-7 बज रहा था तब तक मंत्री साहब अपने आदमी को भेज कर और बोले जे सिक्टा में बांध नहीं बनाना चाहिए, ठीक, और जाके रोको। आके लोग रोका, यहाँ से पीओ के बुलवाया, लोग थाना पदाधिकारी आए, थाना पर 2017 से बांध टूटा हुआ है। हम लोग स्थानीय पुल पर सिक्टा नदी का कहाँ से गुजर के आता है ये नदी जी? किस कहा किस दिशा से आती है ये नदी? सिक्टा नदी से त्रिवेणी करनाल तक जाती है। आज सिक्टा नदी से पश्चिम दिशा में सारे नदी पड़ता है, एपान पड़ता है। आई इस पान से सिक्टा गांव का मैंने काफी क्षति है, सैकड़ों बीघा जमीन इससे नुकसान है। आज 2017 से लेकर 2020 तक शायद कोई मंत्री
या दिलीप वर्मा चाहे अपना प्रमुख साहब या चाहे संजय मुखिया, कोई किसी का इस पर ध्यान नहीं है। नेता से लेकर हलक प्रशासन तक, मनरेगा पीओ तक, बीडीओ सीओ सबको हम लोग इन्फॉर्म किए हैं, लेकिन कोई नहीं सुना है। इसमें जब पानी आता है तो हमारे गांव के लोग माल जाल लेकर रेलवे ट्रैक पे चला जाता है, भर भी पानी कोई नहीं सुनता है। जब हम लोगों ने इस पानी से उब गया तब हम लोगों ने पूरे ग्रामीण बैठ करके एक मीटिंग किया कि इसमें कोई नेता और कोई प्रशासन हम लोग का सहयोग करने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने कहा, स्थानीय सिक्टा बाजार का दिलीप जायसवाल है, उनसे हम लोग बोले कि दिलीप भैया कुछ हम लोग चंदा देते हैं और कुछ आपका सहयोग रहेगा तो बांध में 10-20 हजार रुपया लेगा, हम लोग बनवा लेंगे। तो हम लोग यही मीटिंग किए कि वो छैटे कुदार से तो बनाएगा नहीं। तो हम लोग भरत जादव है अपना डुमरा का, उनका जीसीबी को हम लोग फोन किए, उनका जीसीबी आया, 2 दिन जीसीबी चला, कोई नेता कोई प्रतिनिधि का इसमें नहीं था। जब तीसरा दिन हमारा बांध फाइनल होने वाला था, उतने में खुर्शेद आलम का आदमी या 5-7 कैडर पहुंच गया, यहाँ का जो मंत्री है खुर्शेद आलम, क्या करने आते हैं वो आकर के बोलते हैं कि ये बांध किसके आदेश से तुम लोग बांध रहा है। हम लोग बोले हम लोग जनता सहयोग से बांध रहे हैं, तो ये कोई मनरेगा से तो नहीं बना रहा। हम बोले नहीं, अब जाकर के मनरेगा के पीओ से अभिलेख खुलवाइए या रिकॉर्ड खुलवाइए, कोई मनरेगा नहीं, हम लोग जनता का सहयोग है। वो बोले कि इसको नहीं बांधना है। हम बोले क्यों नहीं बांधना है, आपका पावर है तब रुकिए, हम लोग जनता है, हम लोग कोई योजना से नहीं बनवा रहे कि हम लोग एडर है। तो उस लोगों ने कहा कि यहाँ से गया और सिर्फ बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, पीओ साहब को, सिक्टा को, स्थानीय थाना प्रभारी को भेज करके हमारे जीसीबी को अरेस्ट करवा दिया है लोग, और उसके बाद दिलीप जायसवाल पे और जीसीबी वाले पे केस लड़े, मैंने FIR दर्ज किया है लोग। लेकिन इस FIR दर्ज से हम लोग डरने वाले नहीं है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ये आपका बांध पे क्या दिक्कत है? बांध पे हम लोग का दिक्कत है, इससे पहले 1 महीना पहले जो है इसके बगल वाला जो बांध है उसने बांधवाया है। किस गांव का वो बांध है? वो है कठिया मठिया। अच्छा। उसमें कोई अड़चन नहीं आया। अच्छा। तो हम लोग सोचे जो अगर बांध आ गया है तो हम लोग भी सोचे पूरा ग्रामीण बैठ कर, जिस बांधने से हम लोग का बहुत नुकसान है। ये जो बांध से जो आप लोग बांध रहे हैं, इसका नुकसान किस गांव का हो रहा है? इस गांव का नुकसान है, बरदही है, सिक्टा है, ब्लॉक है, बुझे धर्मपुर है, ढंगटोली है, हमारा सिक्टा है, हसनपुरा है, ये बांध से इतना क्षति हो रहा है।